आज मुद्दा एक ही चीज रह गया है, धर्म के आधार पे चुनाव होना। देखिए जहर को जहर ही काटता है, हमको भी इस पर सारे विपक्ष पार्टी को विचार करना पड़ेगा। अगर उन्माद फैला रहे, अगर वाकई कश्मीरों पंडित को मदद करना है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। कोरोना में लोग मर गए, लाशें तैर रही थी, कहीं चर्चा दिखाई दे रहा है, नहीं चल रहा है। वही सोच के तहत इस फिल्म को, फिल्म ही अगर इनको दिखाना था तो गोधरा कांड पे भी दिखा देते। रोजगार मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। तो यह सरकार के पास आने वाला समय में बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। आम आदमी सड़क पर दिखाई देगा, आंदोलन खड़ा होगा बेरोजगारी का। मोदी और अमित शाह की जोड़ी इतना तो करके निश्चित है कि जाएगी कि फिर बीजेपी जहाँ था वहीं पहुँच जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि इन्होंने देश में सिर्फ विभाजन और दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम जैसे गुधरा कराए, इनका यही इतिहास रहा है। ऐसा होगा नहीं, उनका इतिहास ही वही रहा है कि धर्म के आधार पर वोट को कलेक्शन करना। तो आज देखिए 37 व्यक्ति शराब पीने से मर गए और किसी भी न्यूज चैनल में और मीडिया में यह हिम्मत नहीं है। ये तो लूट का एक जरिया बना दिया गया बिहार में। देखिए प्रधानमंत्री जी तो हमेशा चुनावी मूड में ही रहते हैं, विकास उनका कोई मूड नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी तो चाहिए कि जो कश्मीर प्रमोशन कर रहे हैं क्या फिल्म की? बिल्कुल, आप देखिए सारे जो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए गुजरात चुनाव तो ये तो चुनाव हार और जीत, समय और माहौल जो है कभी किसी क्षण बदल सकता है। अलूल जलूल आपका नेशनल चैनल दिखाता। आज के डेट में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का चार्ज किसी पर लगेगा तो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पे लगेगा। जय शाह का संपत्ति 100,000 गुना बढ़ गया, वो कहाँ से पैसा आया? राफेल में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। देखिए इसका वजह जो है सो दो वजह है। 5 राज्य में चुनाव हुआ, वहाँ चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, ना कोई मुद्दा पे चुनाव हुआ। बिल्कुल मुद्दा जो है चुनाव जो है धर्म के आधार पे हुआ, विभाजन के आधार पे हुआ। जाति मुद्दा गौण हो गया, विकास का मुद्दा गौण हो गया, कोरोना का मुद्दा उद हो गया, महंगाई का मुद्दा नहीं रहा। दूसरा एक पक्ष सोचिए कि ईवीएम का भी कृपा हो गया जिनके चलते इनकी इतनी बड़ी बहुमत हो गई। हम पंजाब में चुनाव इसलिए हार गए कि पंजाब में चूंकि हम लोग काफ़ी दिनों से कांग्रेस की वहाँ सरकार थी, लोग काफ़ी नाराज भी थे, उसी में आंतरिक कलह और दूसरा जो है हमने जो दलित कार्ड खेला, हमने जो वहाँ एक राहुल गांधी ने जो वहाँ अपना एक नया रिसर्च देखा कि दलित सीएम बनाने के कारण वहाँ जो वो फेल हो गया, वहाँ सिख जो है ब्यादरी जो है वह जो है इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाए। कांग्रेस पार्टी से यही गलती हुई। मेरा जो सोच है, विजन जो है, इसका अंदेशा मुझे पहले से ही था कि इसका जो है दलित कार्ड, चूँकि पंजाब में दलितों का कोई, वहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी के समय से ही जाति धर्म नहीं था, वहाँ जो है कांग्रेस ने एक दलित एक हिंदू को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहाँ जो है विपक्ष उसको एक दलित का दलित दे दिया, लेकिन वहाँ दलित कार्ड नहीं चला। इसी के चलते पंजाब जो है पंजाब में कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व क्षमता की कमी है क्या? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व क्षमता की कमी नहीं है। अभी जो सरकार का जो एक सिस्टम चल रहा है चुनाव में, जहाँ कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा एक ही चीज़ रह गया है, धर्म के आधार पे चुनाव होना। आज देखिए कश्मीर सर क्या है उसका कार्ड, क्या है धर्म के आधार? देखिए जहर को जहर ही काटता है, हमको भी इस पर सारे विपक्ष पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि यह जो है देश में जो हिंदुस्तान में जो जहर की तरह ये हिंदू मुस्लिम फैल रहा है, समाज को बांटने की बात हो रही है। अब आप देख लीजिए यहाँ एक कश्मीर फिल्म की चर्चाएं चल रही है बहुत तेजी से, द कश्मीर लोग देख भावुक हो रहे हैं, लेकिन उसकी असलियत जो है विपरीत उल्टा है। सच्चाई बताइए, सच्चाई बिल्कुल आप देखिए द कश्मीर फिल्म को जिस तरह से चढ़ा बढ़ा को दिखाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जिस समय राजीव गांधी ने कश्मीरों पंडित के खिलाफ पंडितों के खिलाफ समर्थन में खड़ा थे, संसद में खड़ा थे, लेकिन वहाँ बीजेपी मौन थी, कश्मीरों पंडित के खिलाफ उन्होंने बगावत किया। लेकिन आज के स्थिति में देख लीजिए जो फिल्म दिखाया जा रहा है, मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम कश्मीर पंडित को पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, उस पर कोई चर्चा उनका व्यवस्था हुआ, रोजगार का उनके व्यवस्था हुआ, नहीं हुआ। उस पर एक धार्मिक फिल्म बना के समाज में जो है विभाजन करने के लिए दर्द पंडितों का दर्द दिखा रहे हैं और समाज में उन्माद फैला रहे हैं।
अगर उन्माद फैला रहे हैं, अगर वाकई कश्मीरों पंडित को मदद करना है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, उनके हर दुख दर्द को बांटने की व्यवस्था करना चाहिए। जो उनके साथ जो 50 साल पहले जो हुआ उसको हम कैसे कम करें, उस पर इनके पास विजन नहीं है। उस चीज़ को 50 साल पुराने चीज़ को दिखा रहे हैं, वही सही कभी हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। अगर मोदी जी ने होते तो आज हमें ये पता ही नहीं चलता कि कश्मीर पंडितों को क्या आपको जो उस समय चर्चा चली थी तो बीजेपी तो उन कश्मीर पंडितों के खिलाफ बीजेपी के 85 सांसद संसद में खड़ा थे, कहाँ आवाज़ उठाए। उस समय भी तो कांग्रेस ने ही आवाज़ उठाया, लेकिन देश में बिल्कुल बीजेपी का एक ही नीति है कि सारे सिस्टम गौन हो जाएंगे, ना कोई रोजगार मांगेगा, ना कोई महंगाई पे चर्चा करेगा, कहीं से उठा के कोई मुद्दा उठा दीजिए जहाँ से समाज में उन्माद फैल रहा हो। अब तो थिएटर में नारे लग रहे हैं मोदी जी के, वही तो हम बात कर रहे हैं, उनका वही विजन है। मोदी जी ने तो अब बता दिया, देखिए वही तो विजन है। आज देख लीजिए डीजल का रेट 25 रुपया बढ़ गया, डीजल का 25 रुपया रेट करेगा कोई चर्चा है? कश्मीर फैल फिल्म का प्रभाव तो यही आप देखने को मिला कि महंगाई आप 200 रुपये पेट्रोल कर दीजिए, डीजल कर दीजिए, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, सारा चीज़ महंगा हो गया, कोरोना में लोग मर गए, लाशें तैर रही थी, कहीं चर्चा दिखाई दे रहा है? नहीं चल रहा है। वही सोच के तहत इस फिल्म को, फिल्म ही अगर इनको दिखाना था तो गोधरा कांड पर भी दिखा देते, जय भीम जिस पे कई फिल्म में जो बना है जो दलितों पर बना है उसको रिलीज करा देते तो उनको तो रोक के रखे हुए हैं, उनको तो सेंसर नहीं होने देते हैं। गोधरा कांड पर भी दिखा देते, कोरोना पर भी दिखा देते, बेरोजगारी पर भी दिखा देते, नोटबंदी पर भी दिखा देते, किसान आंदोलन पर भी फिल्म बना के दिखा देते, बेरोजगारी की स्थिति क्या है उस पर दिखा देते, लेकिन उस पर कोई फिल्म नहीं बनेगा। सर 13 महीने आंदोलन करके भी सत्ता हासिल नहीं कर पाए सर। वही तो हम बात कर रहे हैं कि आप जो है आदमी जो है हर धर्म के लोग अलग अलग बटे हुए हैं। आज के परिस्थिति में क्या है कि जो धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रही है बीजेपी, यही कारण है कि वो सरवाइव कर रही है, बाकी जो कुछ जो है सो सरकार। तो आपको भी यही करना चाहिए क्या? नहीं, हम तो इसके पुरजोर विरोधी हैं, हम तो उसके समर्थक हैं कि विकास सत्ता कैसे मिलेगी। देखिए यह चीज़ जो है बार बार हमेशा नहीं चलता है। आज जो महंगाई की स्थिति है, जो आत्महत्याएं बढ़ जाएगी, बेरोजगारी सड़क पे लोग जो भुखमरी की करार आ रही है, गरीबी रेखा जो आम आदमी का जो इनकम है कितने गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, 2500 करोड़ से आदमी अधिक नीचे गरीबी रेखा के नीचे चला गया ये 2 साल के दरमियान, तो यह सरकार के पास आने वाला समय में बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। आम आदमी सड़क पर दिखाई देगा, आंदोलन खड़ा होगा, बेरोजगारी का महंगाई के खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा। ये जो है आप जातीय समीकरण पे, आप धर्म के आधार पे, ये समीकरण ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और ये भाजपा और मोदी जी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी इतना तो करके निश्चित है कि जाएगी कि फिर बीजेपी जहां था वहीं पहुंच जाएगा आने वाले समय में, बाकी सारी कांग्रेस जो है सरवाइव करेगी, इनका पतन सुनिश्चित है। क्योंकि इन्होंने देश में सिर्फ विभाजन और दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम जैसे गुधरा कराए, इनका यही इतिहास रहा है। डर है कि फिर से कुछ होगा क्या? ऐसा ऐसा होगा नहीं, उनका इतिहास ही वही रहा है कि धर्म के आधार पर वोट को कलेक्शन करना, उनके पास कोई विजन है? आज बिहार में देखिए 37 आदमी, शराबबंदी नीतीश कुमार जी का सबसे गलत फैसला, सुशासन बाबू का गलत फैसला था, आज 37 आदमी जो है नशीली शराब पीने से बिहार में मर गए दिसंबर से लेकर अभी तक। शराब मुक्त प्रदेश बना दिया सर। तो आज देखिए 37 व्यक्ति शराब पीने से मर गए, और किसी भी न्यूज चैनल में और मीडिया में यह हिम्मत नहीं है, सरकार इस 37 हत्या को यह कह के दबाने की कोशिश में लग गई कि यहाँ को किसी का हार्ट अटैक से हो गया है, कोई ऐसा बीमारी आ गया जिससे लोग मर गए, लेकिन सत्य यही है कि 37 आदमी शराब, नशीली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गए। जब जिस राज्य में देख लीजिए, गुजरात हो शराबबंदी है, वहाँ शराब ब्लैक में बिकता है, आज बिहार में चले जाइए शराबबंदी है, वहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। आज युवा क्या कर रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं, पांच शराब का बोतल डिलीवरी कर दिए, उनके पास 1500 रुपया हो गया, उनके पास तो कोई रोजगार नहीं है। इस धंधा को जो है शराबबंदी है नीतीश कुमार का सबसे असफल जो है ये योजना था, इनको लागू नहीं, ये जो शराबबंदी लागू किए, जब तक पूरे देश में शराबबंदी जो है लागू नहीं होगा तब तक आपका हिंदुस्तान के पक्ष में है या विपक्ष में?
हम तो शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जब तक शराबबंदी लागू नहीं होगा, तो बंद किया ना, बंद कहाँ किया, वो तो बंद नहीं किए, वहाँ तो चोरी छुपे नहीं, आप कहाँ नहीं खोज लीजिएगा बिहार में, जहाँ चले जाइए हर चौर चाहे चौराहे, आप यहाँ तक कि सीएम साहब के बंगले के अगल बगल जितने अधिकारी हैं, जज हैं, जितने मजिस्ट्रेट हैं, कौन पदाधिकारी है जिसके ऑफिस के अगल पीछे शराब का बोतल खाली में ब्लैक में नहीं मिलने वाला है, तो शराब का व्यवसाय जो है वहाँ सरकार को रिवेन्यू नहीं आ रहा है, बाकी तो सरकार के ही संरक्षण से शराबबंदी जो है लूट का एक जरिया बन गया। आज जितने थानेदार हैं उनका बैंक अकाउंट चेक करा दीजिए, उनका परिवार का संपत्ति का ऑडिट करा दीजिए, 100 गुना बढ़ गया होगा। तो यह शराबबंदी जो है नीतीश कुमार का जो विजन जो है सबसे गलत फैसला था, और शराबबंदी के कारण दिसंबर से अभी तक 200 आदमी जो है नशीली शराब से, जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। तो क्या नीतीश कुमार जी 200 परिवार के लिए पुनर्वास का व्यवस्था किए, उनको रोजगार का व्यवस्था किए, उनके परिवार का कैसे पालन पोषण होगा, सरकार के पास कोई विजन है? नहीं है। शराबबंदी जो है सरकार का एक लूट का आम आदमी के पॉकेट से किस तरह से सारा, जिनके पास नशेरी हैं उनके पास ही रोकने, सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि शराबबंदी को रोक लगा दे। नीतीश कुमार जी के ही संरक्षण में, उनके अधिकारियों के संरक्षण में, थाना के संरक्षण में ये शराब जो बिक रहा है, तो शराबबंदी आप इसे कैसे कहिएगा? ये तो लूट का एक जरिया बना दिया गया बिहार में। सर देखा जाए तो भी जो 5 राज्यों के नतीजे आए उसके बाद प्रधानमंत्री रुके नहीं, फिर चुनावी ही मूड में नजर आए, पहुँच गए गुजरात। देखिए प्रधानमंत्री जी तो हमेशा चुनावी मूड में ही रहते हैं, विकास उनका कोई मूड नहीं है, वो तो सिर्फ उद्योगपतियों के उद्योगपति उनकी सरकार चलाते हैं कि क्या चीज़ महंगा है, क्या महंगाई जो है चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ चुनावी मूड पर रहते हैं, सरकार तो उद्योगपति चलाते हैं, चुनावी मूड में नहीं, नहीं चुनावी तो वही तो बात कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर कश्मीर फाइल का फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, उसी अग्निहोत्री का भी जो फ्लॉप डायरेक्टर रहा, इसका एक फिल्म हिट नहीं किया, अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती उसमें कपिल सिब्बल जैसा आपका कपिल शर्मा शो आपको प्रमोट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें देशभक्ति थी, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री कश्मीर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की तो चाहिए कि जो कश्मीर प्रमोशन कर रहे हैं क्या फिल्म की? बिल्कुल, आप देखिए सारे जो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं, पैसा लगा क्या बीजेपी आरएसएस का? पैसा बिल्कुल पैसा लगा, अगर पैसा नहीं लगा होता उनका, पैसा तो वही है कि वोट है, आम आदमी में जो द्वंग फैला रहे हैं, भावना भड़का रहे हैं, तो कश्मीर फिल्म को चलाकर क्या करें? अगर वाकई प्रधानमंत्री ईमानदार होते तो ये जो कश्मीरी पंडित जो हैं इनके साथ उनके पुनर्वास का व्यवस्था करते, उनके रोजगार की व्यवस्था करते, उनकी नौकरी की व्यवस्था करते। सरकार की जवाबदेही यह होती है, सरकार की जवाबदेही नहीं ये नहीं होती है कि समाज में जो है हम जो है दंगा भड़काएं, फूट डालें, राज करें, जहर की खेती करें। कश्मीर फाइल्स की जो फिल्म है इसके नाम से चुनाव जीता जाएगा क्या? गुजरात में चुनाव होने वाले, देखिए गुजरात चुनाव तो ये तो चुनाव हार और जीत, समय और माहौल जो है कभी किसी क्षण बदल सकता है, इस चीज़ को चुनाव से नहीं लिया जाता। 5 राज्य का जो चुनाव माहौल हुआ उस समय की परिस्थिति का आकलन को देखा जा रहा है कि क्या मूल कारण था, लेकिन मूल कारण यही था कि आज किसी भी नेशनल चैनल में देख लीजिए कि कहीं भी विकास का कोई चर्चा होता है, कोई मुद्दा होता है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस में, और आपके सारे चैनल जो है टीवी चैनल युद्ध छिड़ा हुआ है कि मोदी जी मध्यस्थता करेंगे, मोदी जी यूक्रेन और रूस के बीच एक विश्व शक्ति बनेंगे, तो यही अलूल जलूल आपका नेशनल चैनल दिखा दिखा था, ये टीवी चैनल दिखा रहे हैं, युद्ध करवा रहे हैं, युद्ध तो यही करा रहे हैं। दूसरा उनके पास कभी भी देखिए कि रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, आज जंतर मंतर से लेके आप देख लीजिए 3-3 धरनाएँ लगे हुई है, एक इधर बगल में गैस चोरी का लगा हुआ है कि 3-3 KG दिल्ली ऐसे शहर में जहाँ देश की सारा व्यवस्था हुआ, इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल के मंत्री तक रहते हैं हरदीप सिंह पुरी जी, सारा सिस्टम सारे गैस एजेंसी के MD CMD डायरेक्टर तक यहीं रहता है, और वहाँ के लोग त्रस्त हैं, बैठे हुए हैं धरना पे, कह रहे हैं कि हमको 3-3 KG 4-4 KG गैस जो है खाली मिल रहा है टंकी में, और उसमें पानी भरा हुआ मिल रहा है। तो सरकार के पास कोई भोजन नहीं है, सरकार तो उद्योगपतियों के हिसाब से देश को चला रही है, सरकार के पास कहाँ है? तो देश में अब समझ लीजिए कोई प्राइस पे कंट्रोल है, 50% से लेकर 75% हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया। कह रहे मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त देश बन रहा है। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार मुक्त देश बना हुआ था तो बीजेपी जिसके पास पार्टी फंड 2014 से पहले पार्टी का स्थिति आकलन क्या था, आज विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बन गया।
ईमानदारी की कमाई है, कर रही है सर। वही तो हम कह रहे हैं कि वही भ्रष्टाचार नहीं है। आज के डेट में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का चार्ज किसी पर लगेगा तो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पे लगेगा। जयशाह का संपत्ति चौगुना तो 100,000 गुना बढ़ गया, वो कहाँ से पैसा आया? बीसीसीआई क्या ये? वही तो हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार का उजागर होगा। राफेल का देख लीजिए, राफेल में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है।